साथियों, हमारे आचार व्यवहार और संस्कार की एक कड़ी जापान में बौद्ध धर्म के आने से भी पहले की बताई जाती है। अभी अगले महीने क्योटो में गियोन त्योहार आने वाला है और इस गियोन त्योहार में जिस रथ का उपयोग होता है उसकी सजावट भारतीय रेशम के धागों से होती है और यह परंपरा आज की नहीं है, अनगिनत काल से चली आ रही है। इसी तरह सिची फुकू जिन सेवन गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून, उन सेवन गॉड में से चार का संबंध सीधा सीधा भारत से है। मां सरस्वती की बेंजाइतेन, मां लक्ष्मी की किची ज्योतेन, भगवान कुबेर की विशामोन और महाकाल की दाइको कुतेन के रूप में जापान में मान्यता है। साथियों, फैब्रिक प्रिंटिंग के जो शिबोरी आर्ट भारत और जापान के रिश्तों का एक बहुत पुराना, एक प्रकार से ताना बाना है, सूत्र है। गुजरात के कच्छ और जामनगर में सदियों से बांधनी, जिसको कहते हैं बंधानी, कोई बोलते हैं कोई बांधनी बोलता है, उसके कलाकार इस कला में उसी रेसिस टेक्निक का उपयोग करते हैं जो यहां भी सदियों से इस्तेमाल है। यानी जापान में उस काम को करने वाले लोग और कच्छ में और जामनगर में करने वाले, आपको ऐसे ही लगेगा आप जापान में है और जापान वाले वहां जाएंगे लगेगा गुजरात में है। इतनी सिमिलैरिटी है। इतना ही नहीं, हमारे बोलचाल के भी कुछ सूत्र हैं जो हमें जोड़ते हैं, जिसे भारत में ध्यान कहा जाता है उसे जापान में जेन कहा जाता है, और जिसे भारत में सेवा कहा जाता है उसे जापान में भी सेवा ही कहा जाता है। सेवा परमो धर्म, यानी निस्वार्थ सेवा को भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा धर्म माना गया है। वहीं जापान के समाज ने इसको जी करके दिखाया है।